सो हे गाइस यार, कैसे यार आप सभी लोग। आई होप कि सबके सब बढ़िया होंगे। आई नो यार, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि घर में थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा था, थोड़ी टूट फूट चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे को अपना पूरा का पूरा सेटअप हटाना पड़ा था। और भाई इसके लिए मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया जो कि मेरे 4x4 गेमिंग यानी कि मेन चैनल पे आएगा। एक दो दिन में डाल दूंगा, थोड़ी सी एडिटिंग बची है बस उसकी। सबसे पहले शॉर्ट डालूंगा, उसके बाद पूरा वीडियो डालूंगा। अरे भाई ये कौन आ गया? लो, अरे यार ये रुको गाइस, पहले इसको निपटा दूं मैं एक बार। तो हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि घर में थोड़ा रेनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर मुझे पैक करके रखना पड़ा था, और इसमें लगभग लग गए भाई 15 से 20 दिन। उसके बाद गाइस मैंने अपना कंप्यूटर का सेटअप निकाला और फिर मैं रेडी हो गया भाई वीडियो बनाने के लिए और अपना सेटअप कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने अपना कंप्यूटर को ऑन किया तो मुझे पता चला कि भाई मेरे कंप्यूटर में थोड़ा डस्ट वगैरह चला गया है, और भाई चूहों ने पूरा आतंक मचा रखा था, क्योंकि मैं हीटिंग की वजह से अपने CPU का एक डोर निकाल के रखता था भाई, ताकि उसमें गर्मी ना बने और मतलब थोड़ा ठीक ठाक चलता रहे और कूलिंग वूलिंग भी बनी रहे। उसका फायदा उठाया भाई चूहों ने, और चूहों ने क्या किया भाई, उसके अंदर जाके सुसु पोटी कर दी, जिसकी वजह से यार मेरा मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया। साथ ही साथ में गाइस मेरा GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड भी शॉर्ट हो गया, तो मुझे अपना नया ग्राफिक कार्ड और नया CPU बनवाना पड़ा भाई। एक तरह से ये बोल सकते हो पूरा ही कंप्यूटर मुझे नया बनाना पड़ा, इसमें काफी खर्चा भी हो गया भाई, और इसी वजह से मैं और 5-6 दिन लेट हो गया। चलो कोई नहीं गाइस, लेट हुआ तो लेट हुआ, लेकिन अभी सब कुछ सही हो चुका है। कल मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी, बहुत अच्छा रिस्पांस था, और अब हम खेल रहे हैं गाइस ATM 9। यानी कि गाइस ये वाला जो मोड पैक है ना, अभी लॉन्च हो, और काफी बड़ा मोड पैक है, और हमने भाई लास्ट टाइम ATM 8 खेला था, काफी ज्यादा मजा आया था उसको खेलने में, और आई नो गाइस इसको खेलने में भी बहुत मजा आने वाला है, और इसका लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, वीडियोस भी डालेंगे, ऐसा मैंने आप लोगों से बोला था, और यार ऐसा ही मैं करने वाला हूं। मतलब लाइव स्ट्रीम भी करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। हम मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, जैसे कि गो आउट YT, हंसु भाई और ये बॉय, इनके घर बनने शुरू हो गए हैं। आई थिंक ये हंसु भाई का घर है, और ये गो आउट YT का, और ये बॉय का कहाँ पे यार, आई थिंक उसका भी इधर ही कहीं होगा। चलो अभी देखेंगे, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, और मेरा तो खैर क्या ही प्रोग्रेस होगा, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करने के बाद मैंने कुछ लूट वगैरह तो लूट ली थी, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और हाँ, आप लोगों ने भाई ये चीज़ तो देखी होगी भाई, इसकी आवाज़ बहुत घटिया है यार। मतलब ये हमारे डू और डाई के सीजन में मुझे मिला था, और इसमें भी मिला है भाई, ATM 8 में मिला था मतलब, और ये ATM 9 है। एंड यार इसकी एक बढ़िया खास बात बताऊं आप लोगों को भाई, ये वाला मोड पैक ना 1.20.1 में, यानी कि सबसे लेटेस्ट माइनक्राफ्ट के वर्जन में है, और इसमें बहुत सारे जो मोड है ना वो बहुत ज्यादा रीडेवलप हुए हैं। तो चलो देखेंगे भाई क्या क्या रीडेवलप हुआ और क्या क्या नया आया है। फिलहाल तो मेरे को यार सो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रात हो रखा है, और क्या दिन हो गया, आई थिंक दिन हो गया, मैं सो नहीं पा रहा हूँ थंडर की वजह से। अरे यार मैं सो नहीं पा रहा हूँ थंडर की वजह से। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ही थंडर ख़त्म हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, फिर हम अपना प्रोग्रेस शुरू करते हैं। नाउ ओके गाइस, तो भाई सुबह हो चुकी है, एकदम बढ़िया फ्रेश सुबह, और यार अब मैं ना काफ़ी सारे जो मोड्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जैसे कि इसमें क्रेट मोड है जो वो काफ़ी चेंज हुआ है, तो देखते भाई उसमें क्या चेंज हुआ है। और हम हैं पानी के किनारे, क्योंकि यार कल चैट में ना हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई पानी के अंदर वाला घर बनाओ इस बार, तो भाई पानी के अंदर घर तो अभी बना नहीं सकते हम, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होगी, हमें स्पॉन्ज वगैरह चाहिए होगा, जो कि अभी नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए मैंने पानी के करीब घर बना लिया, मतलब हम आगे जाके पानी के अंदर घर बनाएंगे, ये एक कॉन्सेप्ट होगा जो हम करेंगे। फिलहाल तो मैं अभी एक वाटर व्हील बनाने वाला हूँ, और ये ट्रेडर अभी नया आया है, तो इस पर कुछ काम की चीज़ है। ओशन एंसेंट सिटी मैप, ओशन में एंसेंट सिटी भी होती है क्या? ये कुछ इंटरेस्टिंग सा मैप लग रहा है, बट यार अभी इस मैप को लेने के लिए इतना रुपया नहीं है हमारे पास, तो फिलहाल अभी इससे हम कुछ नहीं लेंगे भाई। बाकी ये ऑरेंज सैपलिन और ओक सैपलिन दे रहा है, जो कि नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैं काफ़ी सारी लकड़ी लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या क्या लगने वाला है भाई हमें क्रेट मोड की चीज़ें बनाने के लिए, और काफ़ी सारा मुझे आयरन भी लगेगा। अरे गाइस मेरे पास एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मेरे पास एंड साइट नहीं है यार, एंड साइट लाना पड़ेगा मेरे को काफ़ी सारा। तो चलो थोड़ा बहुत एंड साइट माइन करते हैं, और उसके लिए एक पिकेक्स बना लेते हैं। फिलहाल इसमें कोई अच्छा पिकेक्स है क्या? इसमें एक पिकेक्स, कोई बढ़िया पिकेक्स हो जो सस्ता भी बन रहा हो और अच्छा भी हो। ओके गाइस, तो इसमें ऐसा कोई भी बढ़िया पिकेक्स नहीं है भाई जो कि मतलब OP पिकेक्स हो। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत डायमंड था, तो मैं एक डायमंड का पिकेक्स बना लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी वाला पिकेक्स चाहिए होगा, क्योंकि इसमें वेन माइन है तो पिकेक्स बहुत जल्दी टूटती हैं,
और मुझे एक स्वॉर्ड भी बना लेनी चाहिए, जो कि मैं आयरन की स्वॉर्ड ही बनाने वाला हूँ अभी फिलहाल। वैसे तो मैं कुल्हाड़ी से भी काम चला सकता हूँ, बट अपने पास यार एक अच्छी तलवार होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो चलो अभी चलते केव के पास। तो यहाँ पे काफ़ी सारी केव्स हैं जिसमें मैं किसी में भी जा सकता हूँ, और मुझे काफ़ी सारा एंड साइड चाहिए होगा भाई। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने काफी सारा बड़ा एरिया यहाँ पे लाइट अप कर दिया, जिससे कि यहाँ पे ज्यादा मॉब्स स्पॉन ना हो भाई। बट काफी सारे मॉब्स अभी भी यहाँ पे है, और कल मैं इसी केव में आया था भाई ऑनलाइन, मतलब जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो भाई काफी, मतलब बहुत टाइम मैंने इस केव में बिताया था, लेकिन ज्यादा माइनिंग नहीं की थी क्योंकि मैं फंस गया था कहीं पे जाके, थोड़े बहुत डायमंड बस मैंने माइन किए थे। तो चलो यहाँ पे, ओ भाई किस्मत अच्छी है यार, डायमंड मिल गए, और मेरा बूट टूटने वाला था, मेरे को नया बूट मिल गया, ये भी बात सही है। और देखो कितना सारा आयरन और गोल्ड के तो भाई पूरे के पूरे ब्लॉक मिले हैं। तो ये यार, मतलब कई बार ना माइन में आना फायदेमंद रहता है। देखो यहाँ पे कितना सारा आयरन मिला मुझे, बिना माइन करे आयरन मिला है। वैसे यार ये सब चीज़ें देख के मेरे को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये सब चीज़ें तो आसानी से भी मुझे मिल सकती है, लेकिन फिर भी भाई ये तो फ्री में मिल रहा है ना। और यहाँ पे देखो कितना सारा एंड साइड भी है, तो फटाफट से मैं एंड साइड इकट्ठा कर लेता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल मेरे लिए। तो क्योंकि यार देखो अभी मुझे एंड साइड ही चाहिए जिससे कि मेरा प्रोग्रेस होगा, यानी कि मैं क्रिएट मोड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना पाऊंगा। तो चलो बहुत सारे एंड साइट इकट्ठा कर लेते हैं, और कोल वोल जो मिल रहा है वही इकट्ठा करते रहते हैं। और मेरे पास बैकपैक है तो मैं बैकपैक में अपना सामान इकट्ठा कर लेता हूं। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे माइन करते करते मेरे को काफ़ी सारे लूट भी मिल गई है, जैसे कि मेरे को एक एक्स्ट्रा बैकपैक मिल गया, और ये दो बैकपैक तो मेरे पास ऑलरेडी थे, और ये वाला बैकपैक यानी कि सोफिस्टिकेटेड बैकपैक, यानी कि ये वाला जो मेरी कमर पे आप देख रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी बना लिया था लाइव स्ट्रीम में ही। तो भाई अभी मेरा जो पूरा इन्वेंट्री है वो पूरा फुल हो गया, देखो इस बैग का भी पूरा इन्वेंट्री फुल हो गया ऑलमोस्ट, और ये तीनों बैग भी मेरे फुल हो गए हैं, ये भी फुल हो गया है, ये भी फुल हो गया, और ये काले वाला भी ऑलमोस्ट फुल ही हो गया है, मतलब पूरा फुल हो गया है। तो अब यार ऊपर चलते हैं, मैंने काफ़ी सारे लूट ले लिए यहाँ पे। अब मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे मैं और घूमता रहूँ इस भूल भुलैया में, तो चलो यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ, और रास्ते में मुझे जो मिलता जाएगा मैं लेता जाऊँगा। बाकी मैं निकलने वाला हूँ ऊपर की तरफ। गाइस यहाँ पे ना मेरे को बहुत सारे एंडरमैन दिख रहे, देखो वो रे, और मेरे को एंडर पैल ना चाहिए भी बहुत ज़रूरी। यहाँ पे तीन एंडरमैन है, अगर मैं इनको मार पाया ना तो डेफिनेटली गाइस बहुत ही सही चीज़ हो जाएगी, मतलब मेरे को एंडर पल्स मिल जाएंगे, और एंडर पल्स यार इसमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं इन एंडर मैंस को मैं मार पाता हूँ या नहीं मार पाता। चलो पहले तो इनको बुला लेते हैं तीनों को, और तू भी आ जा भाई। अरे यार यहाँ से मार रहे, तो चलो अब यार खतरा बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ये एंडरमैन के साथ साथ यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी आ गए हैं। अरे यार इनके भागने से पहले मेरे को मारना होगा इनको, एक ज़ॉम्बी तो निमट गया। ओके मेरे को कोई एंडर पल नहीं मिला। अरे शिट यार, दो एंडरमैन को मारा लेकिन एक भी एंडर पल्स नहीं मिला। चलो कोई ना, ये हमारा बैड लक था, बट यार मेरे को एंडर पल्स ना बहुत ज़रूरी चाहिए। यहाँ पे फंस गया, चलो इसको, अबे नीचे चला गया, क्या पता मुझे इससे मिल जाए एंडर पल्स। मैं ट्राई, अगर वो ऊपर आया तो उसको मैं ट्राई कर सकता हूँ मारने का। अरे यार लेकिन वो नीचे चला गया ये रहा, और नीचे जाने का रिस्क मैं लूँ क्या नहीं लूँ, ये मेरे को मार भी सकता है, चलो ले लेता हूँ रिस्क। कहाँ है भाई, ये तो बेकार ही बात है यार, कहाँ गया वो। ओके कहाँ गया, नहीं पता कहाँ गया, तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ भाई फिलहाल तो। अरे शिट, मैं गलत ही जगह पे कूद गया भाई, शिट मैं सरफेस पे कूद गया, मुझे कूदना था कहीं और मैं सरफेस पे कूद गया। चलो कोई ना, फिलहाल हम यहाँ से बाहर निकलने जा रहे हैं, और यार मेरे घर के पास ही है इतनी बड़ी रिवीन देख रहे हो, तो ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगी क्योंकि मेरे को घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा माइनिंग करने के लिए।
और तो चलो गाइस हम घर पे आ गए हैं, सो जाते हैं भाई ताकि थंडर जो है वो बंद हो जाए। चलो गाइस अभी मेरे पास सारी की सारी चीजें आ गई है क्रेट मोड को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए, तो मैं अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ और आयरन जितना भी मिलने वाला गाइस इसको मैं मेल्ट करने के लिए लगा दूंगा और एक साइड में मैं टोस्ट बनने के लिए रख दूंगा, क्योंकि अगर हम ब्रेड को पकाते हैं ना तो इससे टोस्ट बन जाता है और भाई टोस्ट ना ब्रेड से ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में। तो फिलहाल इसको भी खाली कर लेते हैं और ये बैकपैक को गाइस हम इस तरीके से रख सकते हैं नीचे, ये देखो। और एक नया ट्रेडर आया है या वही है? अरे ये वही ट्रेडर है भाई, भाग जाने यहाँ से यार तू। तो गाइस देखो सबसे पहले मेरे को नगेट बनाने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है, 2-3 स्टैक नगेट बना लेता हूँ मैं। और इसको जब मैं इस तरीके से रखूँगा ना तो मेरे को मिल जाएगा एंड साइट अलोए, और इस एंड साइट अलोए से ही काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बनेंगी। तो चलो बना लेते हैं भाई। सबसे पहले तो मेरे को बनाना पड़ेगा ये शाफ्ट, तो शाफ्ट बनाना बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बन गए शाफ्ट, आई थिंक मैं आधा स्टैक बना लेता हूँ शाफ्ट का, क्योंकि इसी से ही काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी हमारी। तो अब मेरे को बनाना है सबसे पहले वाटर व्हील, तो वाटर व्हील देखो ये रहा वाटर व्हील, वाटर व्हील और लार्ज वाटर व्हील दोनों ही गाइस क्रेट मोड के हैं वाटर व्हील, और इनको चेंजेस किया गया है भाई। डेफिनेटली गाइस मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ चेंज किया है इनको, और यहाँ पे भाई किया ही हुआ है इनको चेंज। और वाटर व्हील बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी ये क्या, अच्छा प्लैंक और शाफ्ट, बहुत इजी है यार, क्या रेसिपी को इजी करा गया है, आई डोंट नो यार, देख लेते हैं। क्या मैं किसी भी वुड से बना सकता हूँ? लेट मी चेक। ओके मैं बना सकता हूँ, मुझे 2 वाटर व्हील चाहिए होंगे और 2 से काफ़ी अच्छी एनर्जी बन जाएगी भाई, वैसे मैं 3 भी लगा सकता हूँ। अब क्या मैं इससे लार्ज वाले बना सकता हूँ? ओके लार्ज वाला भी बन गया, लेट्स गो। तो क्यों ना भाई लार्ज ही बनाए, क्योंकि छोटे से ज़्यादा अच्छा होता है बड़ा, यस। तो चलो गाइस वाटर व्हील हमारे रेडी है, अभी देखते हैं भाई कुछ चेंजेस हुए हैं क्या हमारी इस चीज़ में, जो कि मैं यहाँ लगाने वाला हूँ ये वाटर व्हील इस तरीके से। चलो देखते हैं, यहाँ पे वाटर व्हील्स को लगा देते हैं, एक और एक दो। ओ भाई लिटरली काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में यार, और मेरे पास बकेट नहीं है, क्योंकि यार इसमें पानी डालने के लिए मुझे बकेट चाहिए होगा। चलो बकेट लेके आते हैं और मैं यहाँ से इसका पानी का सिस्टम बनाने वाला हूँ। चलो देखते हैं इस पर पानी डाल के, और ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है भाई दिखने में। चलो देखते हैं, फिलहाल मैं इसको थोड़ा शेप देने के लिए यहाँ से कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ताकि इसको एक सिंपल सा शेप आ जाए, ऐसा लगे कि हाँ भैया किसी चीज़ में अटैच है। तो चलो अभी इस पे वाटर डाल देते हैं, जिसके लिए मुझे एक वाटर बकेट चाहिए होगा, लेट्स गो। और यहाँ से पानी उठा लेते हैं और ये पानी जाएगा सीधा इसके ऊपर ऐसे। ओके गाइस तो भाई हमारा वाटर व्हील तो चल रहा है, और क्या ये सीधा चल रहा है या उल्टा चल रहा है? आई थिंक ये दोनों साइड से चल सकता है। ओके दोनों साइड से चल सकता है, तो मैं थोड़ा पानी और डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा इसका और स्पीड बढ़ जाए, और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से थोड़ा सही कर सकता हूँ। ओके टूट गया एक, तो मतलब सही नहीं लगा ये, यहाँ से मेरे को पानी ठीक करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, क्या मुझे यहाँ पे पानी रोकना पड़ेगा और फिर ये लगा दूँगा तो क्या चलेगा? आई थिंक पानी गलत जा रहा है, यहाँ पे मुझे पानी नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक ये एक पानी से ही चल रहा है सही, वो भी परफेक्ट। आई थिंक ये एक पानी से चल रहा है भाई, तो मुझे 2 पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पानी से चल रहा है। चलो ठीक है गाइस, ये लार्ज वाटर व्हील बना दिया, एंड डेफिनेटली गाइस क्रेट मोड में काफ़ी चेंजेसेस किए गए हैं, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। तो भाई यहाँ पे अब हमारा मशीन बनना शुरू होगा, तो सबसे पहले तो मैं गियर बनाने वाला हूँ, तो कोग व्हील बना देते हैं गियर्स के लिए पहले, कोग व्हील। तो ये रहे दोनों तरह के कोग व्हील, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो सबसे पहले तो छोटे बना लेते हैं, और ये शायद गाइस अपने को काफ़ी सारे लगने वाले हैं, तो ये काफ़ी सारे ही बना लेते हैं हम। ऑलमोस्ट मैं 16-17 बना लूँगा, क्योंकि यार इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और बड़े वाला बनाने के लिए छोटे वाला लगेगा, और मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, तो मुझे ये भी काफ़ी सारे लगने वाले हैं। तो ये मैंने 8 बना लिए हैं, और अभी मेरे पास वुड ख़त्म हो गया है, तो
तो यहाँ पे मेरे पास और भी काफ़ी सारा वुड है, तो चलो एक स्टैक वुड और बन गया है। तो चलो भाई अब जरा थोड़ी इंजीनियरिंग करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाली है। और अगर मैं इसमें एक बड़ा वाला लगा दूं यहाँ पे, नहीं पहले बड़े वाला फिर छोटे वाला, क्योंकि ये कुछ इसी तरीके से काम करते हैं ना। मेरे को एक रेंच भी बनाना चाहिए, इसका क्रेट मोड का रेंच होता है ना, एट क्रेट मोड में ये जो रेंच होता है ना, ये बहुत सही होता है। बट यार इसके लिए मेरे को प्लेट चाहिए होगी, जिसके लिए मेरे को एक हैमर बनाना पड़ेगा, और ये हैमर तो बहुत ही महंगा है यार। रुको एक सेकेंड, मुझे गोल्ड की प्लेट बनानी है, और ये मैं किसी भी हैमर से बना सकता हूँ। ओके कॉपर का हैमर भी है इसमें, तो कॉपर का हैमर से बना लेता हूँ मैं। कॉपर थोड़ा ईजी है अपने लिए, तो कॉपर तो मैं काफ़ी सारा लेके आया था। देखो यहाँ पे कॉपर है मेरे पास काफ़ी सारा, और यार मेरे को एक फर्नेस भी ऐसा बनाना है जो कि जिसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो। तो मैं देखता हूँ क्या मैं हम फर्नेस को अपग्रेड कर सकते हैं क्या, लेट मी चेक। अगर हम फर्नेस को अपग्रेड कर पाए तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो हमारा फर्नेस फास्ट हो सकता है क्या? ओके गाइस, तो हम यहाँ पे आयरन फर्नेस बना सकते हैं। तो क्या ये मुश्किल होने वाला है, या मैं किसी और तरीके का भी अपग्रेड कर सकता हूँ? ठीक है, हम आयरन फर्नेस बना लेते हैं। आयरन फर्नेस इजी है, बस मेरे को चारों तरफ आयरन करना है इसके, और ये आयरन फर्नेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी आयरन की कमी नहीं है, तो ज़्यादा बढ़िया है ये। और मेरे पास गोल्ड भी है, तो मैं इसको और भी ज़्यादा अपग्रेडेड कर सकता हूँ। ओके गोल्ड में ये अपग्रेड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब किस में होगा पहले ये? ओ भाई साहब, एक पूरा गोल्ड का ब्लॉक लगेगा इसको अपग्रेड करने के लिए। ओके भाई चलो एक गोल्ड का ब्लॉक बना लेते हैं। भाई ये काफ़ी ज़्यादा गोल्ड लग रहा है इसको अपग्रेड करने के लिए ना, तो इसका मतलब डायमंड में भी काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है इसको चीज़ें। और डायमंड के लिए मुझे चाहिए होंगे ग्लास। क्या ये किसी भी तरह के ग्लास से हो जाएगा, या फिर मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्लास लगेगा? ओके किसी भी तरीके के ग्लास से हो जाएगा। तो क्या मेरे पास सैंड रखी है? लेट मी चेक। तो मुझे दो ही सैंड चाहिए होगी, और उससे ये हो जाएगा। और मेरे को छः डायमंड भी चाहिए होंगे, तो भाई मैं अपने छः डायमंड यूज़ करने वाला हूँ अभी, क्योंकि गाइस देखो मैं अभी डायमंड सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम पे डायमंड सेव करूँगा, क्योंकि अभी डायमंड अपने को इजीली मिल जा रहे हैं। अभी दो डायमंड मेरे को नीचे भी मिले थे ना, ये देखो ये रहे, तो यार मतलब डायमंड इजीली मिल जाएंगे अपने को ऐसा लगता है। बाकी जब हम फॉर्चून वगैरह बढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा इजीली मिल जाएगा अपने को डायमंड। तो दो ग्लास बन के रेडी है, इसमें वापस से मैं लगा देता हूँ कॉपर। तो चलो ये रहा, और अभी अपन इसको कर लेते हैं अपग्रेड डायमंड वाले फर्नेस में। तो छः डायमंड के साथ गाइस, ये क्या है, कुकीज़ टाइम 180, कुकीज़ टाइम 80, तो इसमें टाइम भी दिखा रखा है। ओके तो हम इसको चाहे तो और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं एमरल्ड में। ओ भाई, और एमरल्ड के बाद हम कर सकते हैं इसको ऑप्सीडियन में। ओके और ऑप्सीडियन के बाद इसको हम नैदर राइट में कर सकते हैं, और नैदर राइट के बाद हम इसको रेनबो में कर सकते हैं, और रेनबो की तो अभी औकात नहीं है, बट गाइज मैं डेफिनेटली इसको एमरल्ड में ज़रूर करने वाला हूँ। इसकी कुकीज़ टाइम जो 80 से 40 हो जाएगा, मतलब पूरा हाफ हो जाएगा। और एमरल्ड से मैं चाहूँ तो इसको ऑप्सीडियन में भी कर सकता हूँ, बट उसके लिए गाइज अपने को ना ब्लेज रोड लगेगा, जो कि अपने पास नहीं है। क्या हम ब्लेज रोड को किसी सस्ते तरीके से बना सकते हैं? नहीं रे, ब्लेज रोड अपन सस्ते तरीके से नहीं बन रहा, थोड़ा महंगा ही तरीका है, बट बना सकते हैं वो इन फ्यूचर में जब फॉर्म वगैरह बनाएंगे तब देखेंगे। फर्नेस तो बनके तैयार हो गया है, और अब इसमें डालते हैं कोल, और भाई इसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होने वाली है, और इसको हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं पूरे तरीके से। देख रहे हो यहाँ पे इसमें, मतलब आई थिंक इसमें स्पीड ऑग्यूमेंट वगैरह भी डालते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, स्पीड तो शायद इसका ऐसे ही होगा। अरे डाल सकते हैं इसमें हम स्पीड ऑग्यूमेंट डाल सकते हैं हम इसमें, हाँ इसमें हम डाल सकते हैं। ये देखो कोल एफिशिएंसी, और उसके बाद हम स्पीड आर्ग्यूमेंट भी डाल सकते हैं। और स्पीड बनाना तो बहुत इजी है भाई, स्पीड बना लेते हैं ना फिर। चलो रेडस्टोन भी है मेरे पास,
अब चीजें थोड़ा फास्ट बन रहा है क्योंकि यार अब मैंने अच्छा खासा माइन वगैरह कर लिया है, तो क्या मैं दो आर्ग्यूमेंट इसमें डाल सकता हूँ? एक ही डलेगा, चलो कोई ना, एक ही डलेगा, एक हमने फालतू बना लिया, हम इसको इन फ्यूचर यूज कर लेंगे। तो चलो भाई लोग, अभी मैं डालने वाला इसमें अच्छा खासा कोल, और अरे भाई ये क्या कर दिया इनने, ग्रेफाइट बना दिया। ओके, कोल से ग्रेफाइट बन जाता है और इसकी स्पीड लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट है, आप देख सकते हो। बट ये इसी तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी भी लेगा, और फ्यूल एफिशिएंसी को भी बचाने के लिए हम ये डाल सकते हैं भाई, देख रहे हो फ्यूल एफिशिएंसी। यार क्यों ना मैं फ्यूल एफिशिएंसी बना लूँ, बस मेरे को स्टोन ही तो डालना है इसके अंदर, उसी हिसाब से फिर ये फ्यूल भी खाएगा। तो अरे यार शिट, मैं एक ही चीज़ डाल सकता हूँ, या तो स्पीड डाल सकता हूँ या फिर फ्यूल डाल सकता हूँ, तो मैं फ्यूल ही डाल देता हूँ भाई। देखो स्पीड तो इसकी ऑलरेडी अच्छी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देखो टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ है और मेरे पास पकाने के लिए, होना तो चाहिए, अरे हाँ ये रहा ना, और ये भी है। चलो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा पका के दिखा देता हूँ इसको। क्या वही स्पीड मिल रही है? नहीं यार, स्पीड में काफ़ी फ़र्क है, बट मेरे को फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है अच्छी। चलो कोई ना यार, हम ये स्पीड वाला बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल मेरे को इतना स्पीड भी चलेगा अभी के लिए, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी मेरी अच्छी हो गई है। क्या मैं यार स्पीड ही डाल देता हूँ, फ्यूल बचा के करेंगे क्या यार, देखो क्या स्पीड आ रही है यार, फ्यूल बचा के क्या करना है भाई, छोड़ो। कॉपर का हैमर आ गया है, गोल्ड की प्लेट बना लेते हैं। कितनी प्लेटें चाहिए थी? तीन चाहिए थी, एक दो तीन, हैमर बना लेते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस ये देखो, अब मैं कुछ भी लगाऊंगा ना बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊं, स्पीड नहीं बढ़ी, अरे यार मैंने कोक व्हील भी उड़ा दिया। सो गाइज यार अभी मैं एक चीज़ बना ही रहा था, मतलब मैं चेक कर रहा था कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ाऊँ। चलो स्पीड तो बढ़ गई है इसकी, मुझे पता चल गया कि स्पीड किस तरीके से बढ़ानी थी इसकी, बहुत इजी था यार, मैं फालतू में इधर उधर की चीज़ें कर रहा था। देखो ये इतना ईजी होता है इसकी स्पीड बढ़ाना, बस ये छोटे कोक व्हील पे बड़े वाला लगाना होता है तो इसकी स्पीड जो बढ़ जाती है। ये मैंने गलत जगह लगा दिया, सॉरी, इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके ऊपर एक बड़ा लगाऊँगा तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ जाएगी। लेकिन गाइस इसको मैं ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर लेके जाऊँगा ना उतना ही फिर दिक्कत होएगा इसको मुझे संभालने में, मतलब ये टूट भी सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ। और हाँ एक चीज़ और मुझे चेक करनी थी, मुझे इसका स्ट्रेस यूनिट देखना था, क्योंकि मेरे को एक और मेथड पता चला है इसको बनाने का। तो चलो पहले इसका स्ट्रेस यूनिट चेक करते हैं। और स्ट्रेस यूनिट गाइज एक तरह का इसका प्रेशर, मतलब ये चेक करना होता है कि ये कितनी एनर्जी हमें दे सकता है। तो इसकी एनर्जी चेक करने के लिए हमें एक चीज़ बनानी पड़ेगी, जो कि होते हैं इंजीनियरिंग गोगल्स। तो ये वो गोगल्स हैं, इंजीनियरिंग गोगल्स, इसको अगर मैं पहनता हूँ ना, कहाँ पहनूँगा, यहाँ पर, ये देखो ये इस तरीके से मैंने पहन लिए अपने गोगल्स के ऊपर, ये गोगल्स पहन लिए हैं, तो इनसे मैं एनर्जी टेस्ट कर सकता हूँ कि ये कितनी एनर्जी देगा। तो कैसे पता करते थे भाई, हेलो, ओके हाँ अभी पता चल रहा है, इससे इसमें पता नहीं चल रहा, इसमें पता चल रहा है। अभी देखो इसमें मुझे 512 स्ट्रेस यूनिट्स दे रहा है मुझे ये, मतलब 512 एक अच्छी एनर्जी होती है। और अगर मैं यहाँ पे एक अलग मेथड से बनाता हूँ इसको, यहाँ पे रख के मतलब इस तरीके से पानी घेरता हूँ इसके बीच में, तो ये शायद ज़्यादा दे सकता है मुझे। तो देखो ये भी 12 ही दे रहा है, अगर मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा दूँ, और जो कि मैं इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, ये पानी यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और पानी डाल के इसकी स्पीड और बढ़ा के देखता हूँ। अगर बढ़ पाई तो डेफिनेटली फिर मैं इसी मेथड से बनाऊँगा इसको। तो नहीं गाइस ये 512 ही दे रहा है, मतलब दोनों ही तरीके से 512 दे रहा है, तो ये मेथड फेल हो गया एक तरह से। और अगर मैं छोटे वाला कोक व्हील यूज़ करूँ तो क्या ये देगा मुझे ज़्यादा एनर्जी? चलो छोड़ो गाइस, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फ़िलहाल अपन इसी को ही बढ़िया करते हैं, क्योंकि मैं इसको भी बढ़िया कर सकता हूँ और भी ज़्यादा। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे एक लगाया था ना, तो मैं यहाँ पे वापस से दो लगा देता हूँ, इसको वापस लगा देते हैं यहाँ पे। भाई अभी भी ये वैसे 512 ही दे रहा है गाइस, ये अभी भी देखा जाए तो दो व्हील लगने के बाद भी 512 एनर्जी दे रहा है। तो फिलहाल मैं एक ही व्हील्स या दो ही लगा देता हूँ यार, थोड़ा सा मतलब ये डिज़ाइन में भी अच्छा लगता है ना।
तो चलो दो ही लगा देते हैं और इनको हटा लेते हैं यहाँ से। चलो गाइस, अभी मेरे को एक अच्छी खासी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, देख रहे हो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पे एक बढ़िया वाला गेयर बॉक्स लगा दूँ ना, तो भाई इस एनर्जी को मैं यूज़ कर सकता हूँ गाइस। अब मेरे को गेयर बॉक्स चाहिए होंगे, तो इसमें इस तरीके के कुछ गेयर बॉक्स होते हैं, तो ये बनाने के लिए मेरे को भाई ये बनानी पड़ेगी, यानी कि मेरे को एक स्ट्रिप्ड वुड पे ये एंड साइड अलॉय डालना पड़ेगा, तो मेरे को लॉक चाहिए होंगे। ओके, ये वाला तो हो रहा है, ठीक है। और मैं इनको सबको एक साथ भी कर सकता हूँ भाई वेन माइन से, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। और इनको एक, अरे यार निकालने नहीं थे ये, चलो इनको दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को एंड साइड अलॉय चाहिए होंगे, इस तरीके से मैं इनको कर सकता हूँ भाई। और इनसे ये एक चेसी टाइप बन जाएगी, और इन चेसीस को मैं तोड़ लेता हूँ, और अब इससे गेयर बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। और मेरे टोस्ट बन के तैयार है, तो मैं टोस्ट भी खा लेता हूँ थोड़े, क्योंकि भूख लग गई है भाई। चलो गाइस, अभी गेयर बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। तो देखो, इसीलिए मैंने बहुत सारे कॉगव्हील बनाए थे, क्योंकि यार इन कॉगव्हील के बगैर कुछ काम हो नहीं सकता है। तो ये रहे कॉगव्हील, और एक ये मील स्टोन भी बनाना था मुझे, तो मील स्टोन भी बना लेते हैं एक, क्योंकि इस मील स्टोन से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें बनेगी, स्लाइम बॉल वगैरह बन जाएगी इससे। चलो गाइस, हमारा प्रोग्रेस वैसे बिल्कुल एकदम स्टार्ट हो गया, वो भी पूरा सुपर फास्ट तरीके से स्टार्ट हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे को एक चाहिए होगा यहाँ पे गेयर बॉक्स, और ये गलत वाला गेयर बॉक्स है गाइस, तो मुझे दूसरे वाला गेयर बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक ये वाला गेयर बॉक्स लगा देता हूँ, वर्टिकल वाला, फिर काम हो जाएगा, है ना। यस, हो गया। और अब लगा देता हूँ एक और वर्टिकल गेयर बॉक्स। चलो, अभी मेरे पास नीचे तक पावर आ गई है, ठीक है। और अब इस पावर को अगर मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ ना, रुको इसको निकाल लेता हूँ वापस, और यहाँ पे ये लगाता हूँ ऐसे, और इधर ये लगाता हूँ ना मिलस्टोन। अरे यार, अच्छा ये नहीं लगाना था मुझे, ये लगाना था, ये ऐसे, देख रहे हो गाइस, ये चल रहा है भाई, और पूरा 128 स्ट्रेस यूनिट पे चल रहा है। और ये वाला पूरा स्ट्रेस यूनिट मेरे को इसलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो कॉगव्हील बीच बीच में लगे ना, आधा एनर्जी इन्होंने ले लिया है, और बस मेरे पास 128 स्ट्रेस यूनिट ही बचा है। और 128 भी काफ़ी होता है भाई, ये एनर्जी भी काफ़ी होती है। और अगर मेरे पास कुछ वीट पड़े हैं, तो मैं चेक करता हूँ मेरे पास, चलो वीट तो मेरे पास पड़े हुए हैं, और ये काफ़ी स्पीड में काम करेगा भाई। ये सारे के सारे वीट मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ एक स्लाइम बॉल, और स्लाइम बॉल से बहुत ही बढ़िया चीज़ें बनेंगी। और स्लाइम बॉल एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि कल यार मेरे को एक स्टिकी पिस्टन बनाना था किसी एक चीज़ की रेसिपी के लिए, तो मैं बना नहीं पाया था स्टिकी पिस्टन। और क्योंकि स्टिकी पिस्टन बनाने के लिए स्लाइम बॉल चाहिए होता है, और स्लाइम बॉल बनाने के लिए अपने को चाहिए भाई एक डो, यानी कि डो चाहिए होगा, और डो इस तरीके से बन जाता है वीट से और वाटर से। और वीट फ्लावर तो आपको पता ही है किस तरीके से बनता है, ये देखो यहाँ पे ये बनने वाला है, थोड़ी देर में बन जाएगा, जैसे ये सारा एकदम ग्राइंड हो जाएगा ना वीट, उसके बाद वो जो आटा होता है मुझे मिल जाएगा, फिर आटे से मुझे डो बनाना है। डो यानी कि हमारा, डो को हिंदी में क्या बोलते हैं, डो को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भूल गया भाई। चलो गाइस, सुबह हो गई है, अब चेक करते हैं हमारा डो बन के तैयार होगा। आई थिंक मुझे बस राइट क्लिक करना। ओके गाइस, हमारा बहुत सारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है, और मेरा यार इन्वेंट्री थोड़ा फुल हो गया, थोड़ा इन्वेंट्री को खाली कर लेता हूँ। चलो गाइस, अभी ये सीड वगैरह भी उठा लेता हूँ मैं। चलो अब इससे बना लेते हैं डो, और डो बनाने के लिए बस मुझे पानी को इस तरीके से रखना है, और इसको इस तरीके से रखना है, तो हमारे पास डो भी आ जाएगा भाई, ये बहुत ही सही चीज़ है। और हाँ, मैं अगर एक इनकेस फ़ैन बनाऊँ, तो मैं इस डो को डायरेक्टली भी बना सकता हूँ, और बस मुझे एक इनकेस फ़ैन बनाना होगा। और इनकेस फ़ैन बनाने के लिए मुझे प्रोपेलर बनाने होंगे, प्रोपेलर के लिए आयरन प्लेट चाहिए होगी, और आयरन प्लेट में बना सकता हूँ गाइस लिटरली। एंड गाइस, साथ के साथ मैं थोड़ा घर का बाउंड्री भी बना रहा हूँ, ताकि भाई मैं नहीं चाहता मेरे ऑफलाइन जाने के बाद यहाँ पे कुछ चोरी चकारी होती रहे। जो भी स्टोन मुझे मिल रहे हैं, मैं सब लगाए जा रहा हूँ, बाद में इसको बढ़िया कर दूंगा, अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है भाई। चलो गाइस, मेरे घर का बेसिक सा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब मैं बनाने वाला हूँ इनकेस फ़ैन, क्योंकि इनकेस फ़ैन से ही मैं इस डो को बहुत फास्ट बना पाऊँगा, वरना तो यार एक एक बाल्टी में एक डो बन रहा है, तो मैं बहुत सारी बाल्टियाँ कहाँ से लेके आऊँगा। तो एक इनकेस फ़ैन बना लेते हैं, और इनकेस फ़ैन बनाने के लिए बहुत
सिंपल है, अपने को आयरन प्लेट बनानी होंगी काफी सारी। सो गाइज ये बन गया है प्रोपेलर यानी के पंखा, और ये बन गया है हमारा इनकेस फैन, और एक मैं प्रेशर प्लेट भी बना लेता हूँ। तो चलो गाइज अब हमारी सारी चीजें बन के तैयार हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका असली मैजिक क्या है। तो भाई हमें एक चीज को हटाना होगा यहाँ से, तो मैं इस कोक व्हील को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि भाई अभी हमारी ये चीज़ें जो है मल्टीपल नहीं बनी है। तो अरे यार ये गलत लग गया, रुको, तो मेरे को एक ये इस तरफ लगाना पड़ेगा और ये फ़ैन लगेगा यहाँ पे। यार ये फ़ैन तो खींच रहा है तो मुझे इस तरफ लगाना पड़ेगा आई थिंक इसको। ओके ये उल्टा चल रहा है फ़िलहाल, तो मैं इसको इस तरफ लगा देता हूँ। अगर मैं इस तरफ लगाऊंगा तो ये सीधा चलेगा फ़ैन आई थिंक। अरे यार अभी भी उल्टा चल रहा है। अगर मैं इसकी ही डायरेक्शन चेंज कर दूँ पानी की, वैसे अगर मैं एक चीज़ और करूँ इसके आगे मैं एक और लगा दूँ गियर बॉक्स तो ये काम सही से करना चाहिए। हाँ अभी शायद से काम सही कर रहा है, हाँ अभी ये काम सही कर रहा है गाइस। बस एक और लगाना था इसके आगे, और अगर मैं यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट डाल दूँ और दो प्रेशर प्लेट यहाँ डाल दूँ और इसके बीच में डलेगा पानी, बट पानी डालने से पहले मेरे को एक जगह भी बनानी होगी भाई यहाँ पे, जो कि बनने वाली है यहाँ पे ऐसे। ठीक है एक लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, और इस जगह को मैं थोड़ा खाली कर लेता हूँ भाई ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। बाद में गाइस इस जगह को मैं क्लीन भी करूँगा जब मैं अपने पूरे घर पे काम करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं घर पे काम नहीं कर रहा हूँ तो इसको क्लीन करने का अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं पानी को भर लेता हूँ और ये पानी डलेगा यहाँ पे। ठीक है अब देखो पानी आ रहा है, और अब मैं ये सारा का सारा डो यहाँ पे फेंकता हूँ ना तो ये भाई एक साथ सारा कन्वर्ट हो जाएगा डो में। तो गाइस ये एक बहुत ही सही चीज़ है, मतलब बढ़िया मेथड है ये। और अगर मैं चाहूँ तो चलो गाइस, हाँ ये थोड़ा स्लो घूम रहा है लेकिन हाँ काम पूरा पूरा कर रहा है। और यहाँ पे भाई हमारे सारे के सारे डो बन के भी तैयार हो गए हैं, और इन डो से गाइस अब मैं बहुत इजीली बना सकता हूँ स्लाइम बॉल। बस मेरे को लाइम डाई बनानी होगी, और लाइम डाई तो भाई बहुत ही ज्यादा इजी होता है बनाना। तो गाइस यार आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से बताना भाई। एंड यार हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर भाई आप लोगों को ये वाली सीरीज जो पसंद आ रही है प्लीज बहुत सारे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना इसको। और मैं आप लोगों ने क्रिएट मोड की बहुत तगड़ी तगड़ी मशीनें बना के दिखाने वाला हूँ, और इसमें बहुत सारा मैजिकल भी है जो कि मैं अभी समझ रहा हूँ, मेरे को ठीक से नहीं आता लेकिन मैं समझ तो रहा हूँ भाई उसको। सो मिलते एक नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम या फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।